नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में खुद को लड्डू बांटते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ और साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए दर्शकों। और बिना समय गंवाए हम आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि बात की जाए तो यह स्वप्न एक बेहद ही शुभ संकेत देने वाला स्वप्न है। यदि आप सपने में खुद को लड्डू बांटते हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत ही अच्छा संकेत देने वाला स्वप्न है। इस स्वप्न का सीधा सीधा संकेत है कि आपके भविष्य में जितनी भी परेशानियाँ बहुत दिनों से चली आ रही थी वो खत्म होने वाली हैं, आपके जो नए अवसर हैं खुलने वाले हैं और जल्द ही असल जीवन में आपको लड्डू बांटने का जो मौका है वो प्राप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी खुशखबरियाँ आपके दरवाजे को खटखटाने वाली हैं। बहुत अच्छा स्वप्न है, बहुत ही बढ़िया स्वप्न है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, खुश हो जाएं, बहुत अच्छा है और आपका भला ही भला होगा। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा दर्शकों। किंतु सेम यही स्वप्न आप दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो इन सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और ये सारे स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक हमने जो भी अभी तक आपको जानकारी दी होगी आपको अच्छी लग रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बात करते हैं उपायों की। तो सबसे पहली चीज़, यदि मैं उपाय की बात करूँ तो आपको अपने इष्ट देवता अर्थात जिन देवता को आप सबसे अधिक मानते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से मानते हैं, आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको आपके इस सपने का अधिक से अधिक बल प्रदान करें। दूसरा उपाय है कि अगर आपकी शक्ति है, आप गरीबों में दान करने के लिए सामर्थ्य हैं, तो आपको गरीबों में लड्डू अवश्य बांटना चाहिए। आप ये लड्डू किसी भी मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार को चढ़ाएं और इस लड्डू को गरीबों में वितरित करें। शनिवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन अगर आपको शनिवार के दिन नहीं मौका मिलता तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बुधवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, सारा दिन अच्छा है तो आपको लड्डू वितरण अवश्य ही करना चाहिए, तो ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किंतु आपकी इतनी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने बड़े उपाय करने हैं। आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, शिवलिंग का दर्शन करें, सोमवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये थी हमारी जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो, आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे। राधे राधे। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमें सुझाव दें। हम चाहते हैं कि आप हमें सुझाव दें, हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हमें सुझाव देते रहें, सजेशंस देते रहें कि हमें कैसी वीडियोस बनानी है, क्या बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, ज़रूर सजेस्ट करें। हम बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दें, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं। किंतु आप कमेंट्स करते रहिए, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे, मंगल हो आप सभी का।